हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे एंड आज का दिन काफ़ी सुहाना है, तो हम कहीं तो घूमने जाएंगे या कुछ तो एंटरटेनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी मेरे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ औंध में, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड मैं भी अभी एक 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो मिल के कुछ तो डिसाइड करेंगे कि कौन सी तो एक जगह डिसाइड करेंगे और वहाँ पर जाके हम इन्जॉय करेंगे। तो हम औंध पहुँच गए हैं, पहले तो पार्किंग ढूँढना पड़ेगा। औंध में पार्किंग मिलना इज अ बिग टास्क, तो पहले तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। और ये हमारा यूजुअल स्पॉट जहाँ पे दार्जिलिंग मोमोज रहते हैं। ये तो गाड़ी तो यहाँ पे पार्क कर दी है, तो अभी चलते हैं। विपुल यहाँ पे है। हेलो, हाय, कैसा था आज संडे में? क्या किया आज संडे में? सोया। संडे में सोया, कॉफ़ी पीने। और बाकी कहाँ पे? बाकी वॉशरूम गए। तो आज का क्या प्लान है, क्या करना, क्या है? आज अभी हम कासर से जाएंगे। कासर से? सरप्राइज। कासर से जा रहे हैं अपन? यस। गो कार्टिंग का प्लान बन रहा था ना? गो कार्टिंग का मन नहीं है अभी किसी का। नहीं, अभी हम गो कार्टिंग जा रहे हैं। गो कार्टिंग बहुत बारिश है, गाड़ी बड़ी स्किड हो जाएगी। कुछ नहीं होता, ट्रैक काफ़ी अच्छा है। कासर से है। एंड तूने दो हेलमेट भी पहना हाथ में। एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा केयर। अच्छा, क्या क्या एक्सीडेंट में क्या क्या डैमेज हुआ? ये दांत क्या है? एक्सीडेंट में ब्रेन डैमेज हुआ। ये दांत क्या है? ये दांत कुछ अलग लग रहा है। उसके बाद से जो इंसान व्लॉग बनाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लगता है ना। तो बाकी के दो लोग भी आ गए हैं। हेलो गुना, आई एम गुड, हाउ आर यू? एंड ये हमारा कैमरा शायद सबने मिलकर डिसाइड किया है कि हम गो कार्टिंग जा रहे हैं। और हम कहाँ पे जा रहे हैं गो कार्टिंग? पुणे कार्ड रूम, जो कि कौन से एरिया में है? महालक्ष्मी लॉन्स के पास है, आई गेस। ये है ना वाघोली में जा रहे हैं, पता नहीं यार। तो यहाँ से पहुँचते तो एक घंटा लगेगा, अभी बज रहे 5, पहुँचते हो जाएगा 6। विपुल पिछले 10 मिनट से अपना एप्पल आर्क फोन कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ सफलता नहीं मिल रही। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वाईफाई भी ऑन कर ले इसको। अरे इसको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, वाईफाई चालू। बहुत खुशी, अभी सब चेंज हो जाएगा। तेरा एक मेन ड्रामा ये कि गाली का सेंसरशिप। हाँ भाई, चिल रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं होता। मैं मेरे व्लॉग्स में गाली कवर नहीं करता क्योंकि ये फैमिली व्लॉग। अरे ब्रो, उसमें बच्चे देखते हैं। बीप डाल ब्रो, बीप पुटा बीप। मतलब अगर हम बात किए बीप, मतलब भाई तू बीप नहीं, तू बीप नहीं बोलना भाई। भाई कॉपीराइट क्लेम आता है गाना बजाए। अरे जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक नहीं आता। नहीं आता है, मुझे आया है। मैंने 2 वीडियोस डिलीट करके वापस डाले गाना निकाल के। जो अपना नॉर्थ और साउथ गोवा का व्लॉग था ना, उसमें 2 पैच में गाना था, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया। अगर तू तो फिर मैंने वो वापस डिलीट किया, वापस वो वाला 20 सेकंड्स का पार्ट हटा के वापस अपलोड कर दिया। नए नए चीजें सीखने को मिल रहे हैं। ब्रो सुन, तू सुन, बट वो गाने का वॉल्यूम कम कर सकता है एडिटिंग में, फिर वो सेम हो जाता है। क्या सिंपल रहता वो। हम पहुंच गए हैं पुणे कार्ड रूम, आते आते 1 घंटा हो गया। तो भाई पहले तो गाड़ी पार्क करते, सब यहाँ पे आई गेस वही करने आए। कार्ड के लिए भाई नेक्स्ट लेवल मजा आता है देखने। अरे उनके टर्न का वेट कर रहे वो। सबको ये फॉर्म भरना है। विपुल गुना, ये फॉर्म भरना है। ये लोग कुछ हो गए तो जिम्मेदार हिंदू है। हाँ, मेरा नाम लिख दे। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार हिंदू है। देख क्या क्या लिखना है। इंस्टाग्राम मेरा लिख दे। सब मेरा यूट्यूब चैनल लिख दो, प्रमोशन हो जाएगा। किस बात का? सबका भर मेरा। अगर मुझे कुछ हुआ तो हिंदू के चैनल से पैसे लो, हिंदू से पैसे लो। हाँ, अगर मैंने गाड़ी वाड़ी ठोक दी तो पैसे भी हिंदू भरे। और अगर ये कार्टिंग करते वक्त मेरी जान वान चली गई, जिम्मेदारी हिंदू।
ठीक है, तेरा लाइफ इंश्योरेंस है, पैसे मैं लूंगा। इमरजेंसी केस के लिए इसका डर लग रहा है। एड्रेस ढंग से दो ताकि बॉडी वॉडी ढंग से पहुंचा सके। एज 23 और इयर्स क्यों लिखा है उधर? एज में क्या और इयर्स क्या है भाई? पूरा ट्रैक है ना, दे दूंगा। से जाएगा और ड्रिफ्ट मारेगा और सीधा टोक्यो। हम एक बार गोवा गए थे तो गोवा में हम गो कटिंग कर रहे थे, तो एक मेरा दोस्त था उसने ना रेस लगाया तो एक रैंडम बंदे के साथ, वो दोनों के लिए ट्रैक रिजर्व किया था, दोनों का हम बाहर रुके सब और जीत रहा था ठीक है। एंड में वो कॉन्फिडेंस में आया ठीक है, लास्ट में ऐसा जा रहा था वो और लास्ट लैप में उसने सर पीछे मुड़ के उसको ऐसा गाली दिया उसको और गाड़ी वो पीछे मुड़ा ऐसा गाली देने को उसको आगे गया, वो जो पिट स्टॉप रहता ना उसमें गाड़ी घुसा दिया उसको, उल्टा हो गया। तो क्या किया? पैसे लिया होगा। कितना पैसा लिया वो? यार मैं टेंथ में था तब गए थे तब उसने पैसे लिए। इंस्ट्रक्टर सबको ब्रीफिंग देते हुए कि रेड फ्लैग दिखा तो स्लो डाउन करना है और येलो दिखा है तो थोड़ा सावधान रहना है। वाइट फ्लैग दिखाने पे शर्ट ऊपर करना पड़ता है ना। शुभम भी पूरा हेलमेट वगैरह पहन के, एंड गुना कैसा लग रहा है गुना? तो अभी हम करेंगे रेस। तो ये है एक्सेलरेटर गाड़ी का और ये ब्रेक, एंड ये इंजन इसका है और ये काफ़ी हॉट है तो इससे हाथ भी जल सकते हैं, तो इससे केयरफुल रहना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम किसका राइट का एक्सेलरेटर लेफ्ट का ब्रेक है, दोनों सेम टाइम प्रेस नहीं करना, एक्सेलरेटर नॉर्मली प्रेस करना है, आप जितना प्रेस करेंगे उतना फास्ट जाता है, तो आपको जितनी स्पीड चाहे उतना ही प्रेस करना है, ब्रेक हार्ड रहता है जोर से प्रेस करना पड़ता है, आप जितना जोर से प्रेस करेंगे उतना जल्दी रुकेगा काम, ध्यान रखना। जो साइलेंसर है उसको टच नहीं करना है, गर्म रहता है, जब भी टर्न आता है टर्न को एक्सेलरेटर छोड़ देना है, टर्न को एक्सेलरेटर यूज नहीं करना, जब टर्न कंप्लीट होगा फिर से एक्सेलरेटर देना है, कार्ड टू कार्ड बंप नहीं करना है, किसी को टोकना नहीं, अगर किसी ने बंप किया कुछ कार्ड का डैमेज होता है तो पे करना पड़ता है डैमेज को, मार के चलाना है। येलो फ्लैग दिखा रहे तो स्लो होना है, आगे कुछ रैश हो रहा है कुछ प्रॉब्लम है येलो फ्लैग दिखाते स्लो नहीं जाना, आपकी गाड़ी रुक जाती है टायर में फंसते हो तो कार से बाहर मत आओ, आप ऊपर करो मार्च चलाएंगे आपकी हेल्प करेंगे, आपका टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे हीट होगा यहाँ से आपको चेक कर लग जाएंगे ब्लैक और रेड फ्लैग, उसका मतलब आपका लास्ट कैप है, लास्ट कैप मार रहे हैं जैसे रेड फ्लैग दिखाएंगे ये बच्चों का एक बार करके मन नहीं भरा तो अभी सेकेंड टाइम जा रहे हैं हम, अभी एक बार कर दिया कंप्लीट तो अभी बच्चे टी ब्रेक ले रहे हैं, एंड टी ब्रेक के बाद हम वापस ट्रैक पे चले जाएंगे, तो चाय ब्रेक हो गया है एंड बैक टू द पवेलियन सेकेंड राउंड के लिए रेडी। तू कितना खराब हार रहा है सबको पता है कौन हारा, दो बार होने से ज्यादा चीटिंग कौन किया इंसान से, सब 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 बोला रुको मेरे लिए रुको सबकी जल गई है क्योंकि सबको पता है मैंने ये सब लोगों को 3 बार ओवरटेक कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ये ट्रैक पे ऑलमोस्ट 5-6 आ चुका हूँ और ये लोगों का फर्स्ट टाइम है, इट्स ओके गाइस, ठीक है सीख जाओगे सिखा दूंगा। हाँ ये बैच में ज़्यादा नूब लोग है लगता है, ये दीदी ने भी ठोक दिया गाड़ी, फिर उधर वो भाई ने भी ठोक दिया था गाड़ी, वापस स्टार्ट कर दिया, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, अभी बज रहे हैं 8:30 ऑलमोस्ट एंड बच्चों को मैं 2 लैप से हरा चुका हूँ, तो गो कार्टिंग करके हो चुका है एंड अभी हम जा रहे हैं औंध वापस, तो कैसा था वेपल एक्सपीरियंस? वेरी गुड, आज बोला था मैंने, थैंक यू सर। वागुल डे कैसा था? अच्छा था यार, तो बच्चों ने तो काफ़ी एंजॉय किया, थक गए बच्चे, अभी बोल रहे हैं खाना नहीं खाएंगे एंड घर जाएंगे डायरेक्ट, खाएंगे खाना खाएंगे जूस पियेंगे क्योंकि इतना एडवेंचर किया कि उससे ही पेट भर गया सबका। पहुंच गए औंध, अभी हम आ गए हैदराबादी स्पाइस, कितना 35 मिनट्स लगे वागोली से औंध आने में, जल्दी आ गया, चेकून खाएंगे अभी ये लोग,
क्या खाएंगे? चेकुन. What चेकुन? चेकुन is non-veg. Non-veg chicken you mean? चेकुन. अच्छा चेकुन. वागुल डे wants to have चेकुन. चिकन आ रहे हैं वापस. मॉम्स खा रहे हैं आज मोमोज. वही सेम यूजुअल दार्जिलिंग मोमोज खाने जा रहे हैं हम. टेस्टी मॉम्स खाएंगे. यस जानी लाइफ मजेदार. बट हो गया भाई. भाई लोग अभी एक प्रॉब्लम हो गया है. गुना को उसके गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही. क्या? गुना को उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही. पहले मोमो खाएंगे फिर. क्या सेल्फिश लोग है यार ये. पहले मोमो खाएंगे फिर देखेंगे. बेचारा वो चाबी ढूंढ रहा है उधर. भाई वो अपने कुछ जब मोमो खाएंगे तो दिमाग चलेगा ना फिर ढूंढ पाएंगे. ओके ये याहू मोमोज है जो कि लास्ट व्लॉग में विपुल यहाँ से खा रहा था. एंड उसके ही आगे थोड़ा सा दार्जिलिंग मोमोज है. ये आउंड क्रॉस रोड के थोड़ा सा आगे दार्जिलिंग मोमोज. बेस्ट मॉम्स इन टाउन. शुभम बोल रहा है. तू मेरे को बोल रहा है शर्म नहीं है. दोस्त का चाबी गुम हुआ और तू व्लॉग बना रहा है. तो यही तो कंटेंट है भाई. भाई जेन्युइनली अगर उधर वाघोली में रह गए तो इधर से बनवा ले. उतना ही कॉस्ट आएगा. वापस जाना पड़ेगा. दार्जिलिंग मोमोज व्लॉग कर रहे हो दादा बगा. तुमने यूट्यूब पर टक्कर क्या है? अरे चाबी कहाँ पे? नहीं पता भाई. चाबी भाई किधर की? तेरे गाड़ी में ही रहना चाहिए. नहीं मिल रहा ना. क्या कर रहे हैं? किधर बोला क्या? हाँ बोल दिया. तेरा क्या बोलना है? बोल दे उसको. हॉटडॉग मिल रहा उधर. वो तला हुआ आलू. चाबी मिला? छुपी कर लिया बोला. चाबी मिला है क्या? है उसके पास. बना के ले लेना है चाबी. हाँ करता भाई. ठीक है. डुप्लीकेट तो मिला ना. डुप्लीकेट है ना. ये है वेज स्टीम मोमोज. इसमें से स्टीम आ रहे हैं. सब कुछ हो गया आज. मोमोज भी खा के हो गया है. तो अभी हम जा रहे हैं घर. तो आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय.